इसका नाम है अब्दुल रहमान। ये 3 अक्टूबर 2018 को हुआ था साइड एरिया ममनाबाद में। तो जैसा ही हुआ था तो ये वहाँ पे नर्सरी रूम में चले गया था क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। लेकिन इसकी जो है ना तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि ये 3 महीने का हो चुका था। तो फिर वहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट दूसरा था, फिर उनको जब दिखाया तो उन्होंने बोला इसके दिल में सुराख है, बड़ा है, तो इसका ऑपरेट होना है। उस टाइम तक ये 6 महीने का हो चुका था, 5 से 6 महीने का। अगर इसको मज़ीद और टाइम गुजर गया तो फिर इसका ऑपरेट नहीं, फिर ये मेडिसिन पे चलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आगा खान आया, डॉक्टर वारिस ने एक कंप्यूटर में दिल का पूरा एक सर्जरा दिखाया, बताया कि बेटा ये चीज़ें ऐसे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया मुझे, तो मुझे एक थोड़ी सी उम्मीद आई दिल में कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कुछ करेगा। तकरीबन 8,50,000 रुपये का प्रोसेस बताया था उन्होंने कि इतना लगेगा, जबकि मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो फिर डॉक्टर वारिस ने बताया कि ऐसा यहाँ वेलफेयर होता है, आप उनके पास जाएं। उन्होंने पूरी सर्चिंग की, देखा, सारा निज़ाम देखा, समझा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 10 दिन बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया, बोला आप आ जाएं, आपका सारा सिस्टम हो गया, आप परेशानी से निकल जाएं, आपका इंशाल्लाह इलाज अब आगा खान में होगा। तो खैर सुबह 8:30 बजे में इसको ऑपरेशन थिएटर ले गए। तकरीबन 5 से 6 घंटे का इसका ऑपरेशन था। और ये नहीं कि मैं वेलफेयर से मेरा इलाज हुआ, तो कोई लोकल रूम में मुझे रखा, जहाँ VIPs का इलाज हो रहा था उसी डिपार्टमेंट में मुझे रखा। बस फिर मेरा बेटा आज माशाल्लाह मेरी गोद में खेलता है, मस्तियाँ करता है, मुस्कुराता है, जो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं आगा खान की वेलफेयर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरा बेटा उन्होंने मेरे हाथों में रखा हुआ है, बिल्कुल सही सलामत। मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है।